या समीक्षा होती, सर्वे होता तो निश्चित हमारे 20-25 सीटें जरूर हमारे प्रत्याशी जीतते। अगर हमारा सुझाव माना गया होता इटावा में तो बताओ कोई चुनाव था इटावा और भाषण। क्या अखिलेश यादव संग गठबंधन कर खुश नहीं है शिवपाल यादव? आखिर भतीजे को नेता मानने के बाद क्यों छलका चाचा का दर्द? यूपी चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इस बार प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव अपने भतीजे और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी ने शिवपाल को जसवंत नगर से उम्मीदवार बनाया है। अब चाचा शिवपाल यादव भले ही भतीजे अखिलेश यादव के साथ खड़े हों, लेकिन उनके मन में कम सीटें मिलने की टीस अब भी बरकरार है। लगता है यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सोमवार यानी 7 फरवरी को शिवपाल आखिर अपना दर्द नहीं छिपा सके। जसवंत नगर में एक होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक में उनका दर्द एक बार फिर से झलक उठा। शिवपाल के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिवपाल कह रहे हैं कि लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की मांग यही थी कि एक होकर के चुनाव लड़ो, तभी भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते। तो फिर आपने देखा, आपने तो देख ही दिया है, हमने अपनी पार्टी का बलिदान कर दिया। और पहले तो जब बातचीत हुई और बातचीत से पहले मैंने तो अपने प्रत्याशी एक साल पहले 100 प्रत्याशियों को टिकट की घोषणा भी कर दी थी, प्रत्याशी भी बना दिया। नेताजी ने कहा था 200 लेना। इसके बाद मैंने 65 सीटों की लिस्ट अखिलेश को दी। बाद में संख्या घटाने को कहा गया तो मैंने 45 नामों की लिस्ट दी, तो फिर कहा गया अभी भी ज्यादा है। फिर हमने जीतने वाले 35 प्रत्याशियों के नाम दिए, जिस पर बोला गया ये भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद हमने कहा जिसे सही लगे उसे टिकट दें, लेकिन अब मेरे खाते में केवल एक सीट आई है और इस पर भी हमने सब्र कर लिया है। अपनी बात को रखते हुए शिवपाल ने ये भी कहा कि कम से कम 50 सीट तो मिलनी ही चाहिए थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल ने अपने भतीजे की समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो कर लिया, लेकिन अंदर खाने बताया जा रहा है कि वो इससे संतुष्ट नहीं है। वो अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन उसे भी टिकट नहीं मिला। यानी साफ है कि शिवपाल यादव अखिलेश के साथ गठबंधन कर खुश नहीं है। इंडिया न्यूज़ वारंट की रिपोर्ट।